हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीके गर्ग हूँ और मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ आइकॉनिक क्लिनिक गुरुग्राम में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर हेयर लाइन डिजाइन की क्या इम्पोर्टेंस है। हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट हेयर लाइन डिजाइन और उसकी डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हेयर लाइन डिजाइन ठीक से ना हो तो अच्छे से अच्छा किया हुआ ट्रांसप्लांट भी देखने में अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हेयर लाइन डिजाइन के अंदर क्या चीजें और क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइन डिजाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका पैटर्न और उसका डिजाइनिंग। इस डिजाइन को करने के लिए हम हमेशा आपके साथ डिस्कशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की हेयर लाइन डिजाइन की जाएगी। इसके पैटर्न को डिसाइड करने के लिए आपकी एज, आपके बालों का टेक्सचर कैसा है, आपके बालों की डेंसिटी कैसी है डोनर एरिया में और आपका हेयर लॉस कैसा है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका हेयर लॉस काफी ज्यादा है तो हम आपको कई बार ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि हेयर लाइन थोड़ी ऊपर रखी जाए या उनको साइड से थोड़ा नैरो किया जाए। ऐसा करने से हमें ज्यादा एरिया कवर करने में हेल्प मिलती है और साथ में आपका हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल भी दिखता है। अगर आपके हेयर पतले हैं या उतने डेंस नहीं हैं तो उस केस में भी हम आपको हेयर लाइन थोड़ा ऊपर रखने या साइड से नैरो करने की सलाह देते हैं। हेयर लाइन डिजाइन के बाद यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्यूचर में हेयर लॉस कितना हो सकता है। अगर आज आपका हेयर लॉस ज्यादा नहीं है और सिर्फ आगे से ही आपने हेयर लूज किए हैं, ऐसी कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फ्यूचर में और हेयर लूज होने का अंदेशा है या चांसेस हैं तो हम आपकी हेयर लाइन इस तरीके से डिजाइन करें कि इस बात को मन में रखा जाए कि अगर फ्यूचर में और बालों की जरूरत है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी हेयर लाइन को अग्रेसिव या नीचे की तरफ डिजाइन करके उसमें ज्यादा ग्राफ्ट कंज्यूम कर दें और फ्यूचर के लिए एडिक्वेट ग्राफ्ट ना हो। इसलिए फ्यूचर लॉस की पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हेयर लाइन डिजाइन होने के बाद जब एक्चुअली सर्जरी की जाती है उसके अंदर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आगे की तरफ हेयर लाइन के अंदर सॉफ्ट हेयर या सिंगल स्ट्रैंड हेयर, सिंगल स्ट्रैंड ग्राफ्ट्स यूज किए जाएं। ऐसा करने से हेयर लाइन ज्यादा नेचुरल दिखाई देती है। जनरली हम हेयर लाइन में फ्रंट वाले पोर्शन में ज्यादा डेंसिटी देते हैं कंपेयर टू मिड स्कैल्प या उसके पीछे वाले एरिया में। इसके साथ साथ हेयर लाइन डिजाइन के अंदर कुछ इरेगुलरिटी या उसका एक सीधापन या एक डिफाइंड पैटर्न ना होना भी जरूरी है। हेयर लाइन डिजाइन को हम इरेगुलर वे में डिजाइन करते हैं। आइकॉनिक क्लिनिक पे हम हेयर लाइन डिजाइन पे स्पेशल फोकस देते हैं। हमने 5000 से अधिक हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है, उसके कारण हमारी हेयर लाइन को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं और अपनी हेयर लाइन को लेके चिंतित हैं और इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।